Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 4, continuation of circular motion topic. Today we are going to discuss about different types of acceleration during circular motion. So, एक point मैं just revise कराना चाहता हूँ जो हमने last class में किया था, that was for centripetal acceleration. Centripetal acceleration का जो direction होता है, that is always towards the center of circular path. सेकेंड जो पॉइंट है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस टॉपिक से लिंक होगा वो होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल कम इनटू कंसीडरेशन ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल. जब बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो जो एवरी इंस्टेंट पे डायरेक्शन चेंज होता है वो डायरेक्शन रिजल्ट होता है इन टर्म्स ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, बाकी और कोई भी चीज उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. तो जब हम अगर सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये है कि सर्कुलर मोशन क्या होता है. तो सर्कुलर मोशन द मोशन अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल. तो सर्कुलर मोशन मोशन अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल. सो मोशन अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज नथिंग बट द सर्कुलर मोशन. अब इसमें मैंने दो पॉइंट हमें फोकस करनी है. जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो ये है कि ये जो सर्कुलर मोशन है ना, दैट इज हैपनिंग विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड. दैट इज हैपनिंग विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड. अगर मोशन कॉन्स्टेंट स्पीड से हो रहा है तो वो सर्कुलर मोशन होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इट विल बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक है. और जो दूसरा पॉइंट है वो क्या हो गया, यहां पे जो स्पीड होगा ना वो वेरिएबल होगा. आपने लिया यहां पे वेरिएबल स्पीड. ठीक है. वेरिएबल स्पीड में क्या होगा, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक है. तो आप रियलाइज किए हैं या नहीं कि आई डोंट नो, बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया है. बट एक बार फिर से हम यहां पे देख लेते हैं कि अगर एक बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो हमें ये दोनों कंडीशन में लेना है. बट पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का हमने वैसे डिस्कस किया हुआ है. सो देख लेते कि हमने क्या डिस्कस किया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के टर्म में. कि अगर मान लो कोई पार्टिकल है, फॉर एग्जाम्पल अ पार्टिकल इज ओवर हियर, ठीक है, और यहां पे इसका अगर आप लेते हो तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा. ठीक है. तो यहां पे वेलोसिटी होगा वी वेक्टर, करेक्ट. या अगर आपको लेना है तो आप ले लो वी वन वेक्टर फॉर एग्जांपल. और फिर हमने क्या लिया, यहां पे वेलोसिटी है, ये हो गया वी टू वेक्टर. क्लियर. और सिमिलरली अगर पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो यहां पर वेलोसिटी क्या होगा, यहां पर आपने ले लिया वी थ्री वेक्टर. और अगर यहां पहुंचेगा तो ये हो गया वी फोर वेक्टर. क्लियर. और इसके बाद क्या होता है, जब इनका मैग्नीट्यूड आप लेते हो तो मतलब v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड v3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड v4 वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है ये क्या है, ये इक्वल होगा. दैट यू इमेजिन एज v, करेक्ट. बट अगर आप उनको वेक्टर फॉर्म में लेते हो तो v1 वेक्टर इज नॉट इक्वल टू v2 वेक्टर, इज नॉट इक्वल टू v3 वेक्टर, इज नॉट इक्वल टू v4 वेक्टर. तो ये वेक्टोरियल फॉर्म में इक्वल नहीं है बिकॉज उनके डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है. बट मैग्नीट्यूड के टर्म में वो सेम है. तो कॉन्स्टेंट क्या होगा, स्पीड होगा. इनका स्पीड क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा. तो इस टाइम पे बॉडी जो भी एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगा दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन. सो एक्सेलरेशन इज ओनली ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन. सो चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेलरेशन, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर acceleration of body, for acceleration of body. ठीक है. तो इस केस में जो acceleration होता है वो होता है centripetal acceleration. centripetal acceleration कहां पे act होगा, that will act towards the center. ठीक है. अब अगर यहां पार्टिकल है तो towards the center act होगा, यहां पे पार्टिकल होगा तो भी towards the center act होगा, यहां पे पार्टिकल होगा तो भी towards the center act होगा, यहां पे पार्टिकल होगा तो भी towards the center ही act होगा. Is that clear? So ये सभी केसेस में अगर लेना है तो मैग्नीट्यूड क्या centripetal acceleration का, तो ये हो गया जो यहां पे ना मैग्नीट्यूड ऑफ जो होगा ना, अभी ये जो स्पीड का जो मैग्नीट्यूड होगा ले लो अपॉन क्या होगा, ये यहां पे v स्क्वायर अपॉन r. और अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में होगा तो क्या होगा, r ओमेगा स्क्वायर. एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर. ये क्यों अकर होता है, इट इज अकरिंग ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन. सो चेंज इन डायरेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. और इस एक्सेलरेशन को हम क्या बोल रहे हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. एंड दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज सेंट्री पिटल एक्सेलरेशन. तो जो हमने सर्कुलर मोशन के एक्सेलरेशन लिया उसमें से एक टाइप ये हो गया. ठीक है. अब यहां पे क्या होता है, ये हो गया वेरिएबल स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो अब यहां पे कंसीडर करो तो आपने कंसीडर किया, चलो ठीक है,
है, यहां पे पार्टिकल है ये, यहां पे वेलोसिटी वी वन होगा, इस प्लेस पे वेलोसिटी वेक्टर वी टू होगा, इस प्लेस पे वेलोसिटी वेक्टर वी थ्री होगा, यहां पे क्या होगा वेलोसिटी वेक्टर वी फोर होगा। हमने उसी कंडीशन को फॉलो किया, ये वी वन वेक्टर हो गया, दिस इज व्हाट वी टू वेक्टर, ठीक है, दिस इज नथिंग बट वी थ्री वेक्टर, और ये क्या होगा वी फोर वेक्टर हो गया, क्लियर। अब इनको अगर हम कॉन्सेप्चुअली अगर समझने की कोशिश करें तो व्हाट इज हैपनिंग, वन थिंग इज वेरी सिंपल कि यहां पे जो वी वन वेक्टर है दैट इज नॉट इक्वल टू वी टू वेक्टर, इज नॉट इक्वल टू वी थ्री वेक्टर, इज नॉट इक्वल टू वी फोर वेक्टर, ये तो समझ में आ गया। एंड अगर आप इनके मैग्नीट्यूड ले दो ना, वी वन वेक्टर का मैग्नीट्यूड यू आर कंपेयरिंग विद द वी टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो इक्वल नहीं है, करेक्ट। अब इसके मैग्नीट्यूड आपने कंपेयर किया वी थ्री वेक्टर के साथ में तो वो भी इक्वल नहीं है, अब इसके मैग्नीट्यूड आपने वी फोर वेक्टर के साथ में कंपेयर किया है तो वो भी इक्वल नहीं है, मतलब मैग्नीट्यूड्स आर नॉट सेम, मैग्नीट्यूड इनके सेम नहीं है, प्लस ये वेक्टोरियल टर्म में भी सेम नहीं है, तो वेक्टोरियल टर्म में तो हमें समझ में आ रहा है कि अगर इनका डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो हो सकता है उनका वेलोसिटी वेक्टर सेम नहीं हो, बट अब देखो यहां पे मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है, मतलब यहां पे क्या वेरिएबल वेलोसिटी है, यहां पे वेलोसिटी अलग हो गया, यहां पे जो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी है वो वेरिएबल है, यहां पे मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी अलग है, यहां पे मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी अलग है, यहां पे मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी अलग है, यहां पे अलग है, सो मैग्नीट्यूड्स आर नॉट सेम। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये जो आपको है, चेंज इन डायरेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, और वो कौन सा एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। इस केस में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, इन दिस केस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एज वेल एज डायरेक्शन बोथ विल चेंज, ठीक है। सो इस केस में क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एज वेल एज डायरेक्शन बोथ विल चेंज, तो इसमें वेलोसिटी भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगा, तो अब ना वेलोसिटी चेंज की वजह से जो या डायरेक्शन चेंज पे जो हमें एक्सेलरेशन मिला है वो है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, हम किस पॉइंट के हिसाब से ले रहे हैं, है ना, ये वाले पार्टिकल पे फोकस करो, तो यहां पे हमको मिल गया सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन विच इज एक्टिंग टुवर्ड दी सेंटर, और उसका फॉर्मूला भी हमको पता है, वी स्क्वायर अपॉन आर ओमेगा स्क्वायर से आप निकाल सकते हो, बट वॉट अबाउट द चेंज इन दिस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, उसकी वजह से क्या होगा, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, देखो ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, करेक्ट ना, मतलब दिस वेलोसिटी वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन, ये यहां पे पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल का जो डायरेक्शन है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये होगा, बट उसका मैग्नीट्यूड ऑल्सो चेंजिंग, तो अब अगर उस हिसाब से मैं कंसिडर करूं इफ आई थिंक अकॉर्डिंगली, सो आई होप ये पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा, तो यू कैन रैप इट, सो ये समझने के हिसाब से था। सो अब अगर इसकी वेलोसिटी, अगर इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो आप क्या कंसिडर कर सकते हो, यहां पे मैग्नीट्यूड के चेंज होने की वजह से एक नया एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। अब ये एक्सेलरेशन क्यों आ रहा है, बिकॉज डी मैंने कहा था वी वेक्टर अपॉन डी टी वेक्टर, डी वी वेक्टर अपॉन डी टी, ये क्या होगा, यहां पे वेलोसिटी का जो है ना मैग्नीट्यूड वो चेंज हो रहा है, तो इसको यहां पे मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, मैंने इसको मॉड में लिखा है, मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से यहां पे एक्सेलरेशन आएगा, उस एक्सेलरेशन को आपने ले लिया है ए टी। तो अब इनका नाम क्या क्या होगा, देखो ये जो है ये तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, तो इसका नाम क्या क्या होगा, एक तो आपने ले लिया इसका सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन नाम सेंट्रीपेटल, दूसरा इसका नाम है रेडियल एक्सेलरेशन, ये भी आपको पता होगा, ये पिछले डेरिवेशन में हमने लर्न किया था। और दूसरा एक चीज देख लो आप, ये जो है ना ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये जो होता है ये जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ना, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, ये जो मैग्नीट्यूड का जो डायरेक्शन दिया है, ये जो मैग्नीट्यूड है वो कौन से डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में जा रहा है, उस डायरेक्शन को ये परपेंडिकुलर है, इसके लिए आप इसको बोल सकते हो नॉर्मल और परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन, परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसमें से जो भी टर्म आपको यूज करना है वो आप यूज कर सकते हो, तो इट कैन बी सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, इट कैन बी रेडियल एक्सेलरेशन, इट कैन बी परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन, और इट कैन बी नॉर्मल एक्सेलरेशन, उसमें से कोई भी टर्म आप यूज कर लो। अब इसके लिए भी स्पेसिफिक नाम है, तो ये जो है इसके लिए आप कौन कौन सा नाम यूज करोगे, तो ये टी है, टी मतलब टेंजेंशियल, ये अलोंग द टेंजेंट है ना, इट कैन बी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अच्छा, इसको हम ना लिनियर एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। अब देखो ये पैरेलल है, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ दिस वेलोसिटी, उस पॉइंट में जो वेलोसिटी का डायरेक्शन उसको पैरेलल है, इसके लिए हम उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। तो इनमें से कोई भी पॉइंट अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आपको समझ लेना है कि अबाउट विच एक्सेलरेशन दे आर टॉकिंग। अब प्रॉब्लम यहां पे ये होता है कि हमारे पास कितने एक्सेलरेशन पता चले, तो अब हमें ना दो एक्सेलरेशन का पता चल गया, एक तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का, दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन।
जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये कब अकर होगा, जब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जब चेंज होता है तब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्ट होगा। अभी ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में लिया है, तो ये हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा वैसा नहीं है, वो हमने आगे अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें दो कंडीशन हो गए, एक कंडीशन में उसी डायरेक्शन में एक्ट होगा, एक उसके ऑपोजिट में एक्ट होगा। कब उस डायरेक्शन में एक्ट होगा, कब ऑपोजिट में एक्ट होगा, उस पॉइंट पे भी हमें फोकस करने की जरूरत है। सो आई थिंक अभी इसके लिए कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तो जो भी इसमें कॉन्सेप्ट हमें अंडरस्टैंड करना था हमने अंडरस्टैंड कर लिया। सो अब अकॉर्डिंग टू दैट, अगर ये वेरिएबल वेलोसिटी है तो उस कंडीशन में क्या लेना है वेरिएबल स्पीड के केस में, सो विल टेक अकॉर्डिंगली। सो अब ये कौन सा वेलोसिटी है, कैसा है, वो चीजें तो आपको समझ में आ गई है। अब हमने क्या कंसिडर किया, ये वापस वही सर्कुलर मोशन है, सेम कंडीशन में ले लिया, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट पे ये हो गया आपका वेलोसिटी, तो ये ले लो वेलोसिटी वेक्टर, आपने ले लिया वेलोसिटी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड मैंने ले लिया, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, ये डिक्रीजेस, जो उसका मैग्नीट्यूड है ना वो डिक्रीज हो रहा है, बराबर। और जो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन दैट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, कोई इश्यू नहीं है उस केस में। अभी ये जो नाम वगैरह है ये आपने नोट कर लिया होगा, तो आई डोंट थिंक दैट दिस इज नीडेड, सो ये सब मैं रफ कर देता हूं नाम वगैरह, तो थोड़ा सा क्या स्पेस मिल जाएगा, देन वी विल हैव अ क्लियर आइडिया कि व्हाट इज हैपनिंग। अदर डायरेक्शंस आल्सो नॉट नीडेड, ठीक है। ये भी हमने ले लिया मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, दिस इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट इज मॉड ऑफ वी वेक्टर, आप देखें क्लियर दिस वन। सो व्हाट इज हैपनिंग टू दिस वन, इट इज इंक्रीजिंग, सो ये इंक्रीजेस, करेक्ट। सो व्हेन वेलोसिटी, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेस, देन जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी। सो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्ट करेगा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज एक्टिंग अलोंग दिस वन। बट अगर मान लो कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड इज डिक्रीजिंग, तो क्या होगा, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन ऑफ पार्टिकल, तो लीनियर उसका डायरेक्शन होगा, लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा या टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, उसके ऑपोजिट में क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्ट होगा। अब ये दो एक्सेलरेशन अगर एक ही पार्टिकल पे एक्ट हो रहा है, तो यू कैन अंडरस्टैंड ऑन द सेम पार्टिकल टू वेलोसिटी इज एक्टिंग, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा। ऑन द सेम पार्टिकल टू फोर्स इज एक्टिंग, तो रिजल्टेंट फोर्स होगा। ऑन पार्टिकल टू एक्सेलरेशन इज एक्टिंग, तो एक कॉन्स्टेंट और एक रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा। तो ये बोला रिजल्टेंट एक्सेलरेशन किधर होगा, तो इन दोनों के बीच में, ये साइड में ये होगा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन को आप ना ए नेट ले लेते हो। तो अब देखो आप कितना एक्सेलरेशन हो गया, एक तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन हो गया, दूसरा टेंजेंशियल हो गया, और तीसरा क्या होगा, नेट एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। सेम चीज यहां पे, यहां पे नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे ले लिया आपने, इज दैट क्लियर। अगर आपको नेट लेना है तो इसको अपना वेक्टोरियल फॉर्म से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो अब अगर मान लो कि इसको आप पैरेललोग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, बोथ वन यू आर कन्वर्टिंग इन फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम, सो हाउ विल यू गेट द नेट का फॉर्मूला, तो नेट का वैल्यू इज वेरी सिंपल, कि जो नेट एक्सेलरेशन होगा ये क्या होगा, जो फर्स्ट एक्सेलरेशन है मान लो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन रेस टू टू, प्लस जो सेकंड एक्सेलरेशन है मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रेस टू टू, प्लस क्या होगा, प्लस ना टू ए सी ए टी, बट वो क्या होगा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या, यहां पर कितना है 90 है ना, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होगी, जीरो हो जाएगी, तो उनका लेने की जरूरत ही नहीं है। और ये वैल्यूज किसमें है, ये रूट में, करेक्ट। तो आप ये लो या ये लो, दोनों के लिए नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यही है ना, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। तो टू पी क्यू कॉस 90 की वजह से टू पी क्यू कॉस थीटा वाला टर्म गायब हो जाएगा, तो ये क्या होगा, सिर्फ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बचा यहां पर, ऐसा क्लियर। तो ये हो गया आपका नेट एक्सेलरेशन। सो आई होप ये बातें आपको समझ में आई होगी। अब हमें क्या करना है, हमको लेना है टेन मतलब डिरेक्शन ऑफ द नेट एक्सेलरेशन। तो आप डायरेक्शन किसके साथ में लेना चाहते हो वो पहले आप डिसाइड कर लो। तो आपने टेंजेंशियल वाले के साथ में लेना है, तो आप टेंजेंशियल के साथ में क्या करते हो, बीटा ले लेते हो। तो यहां पे भी टेंजेंशियल के साथ में हमने बीटा ले लिया, क्लियर, ये बीटा हो गया। तो अब इस ट्रायंगल का देखो ना, सारे पार्ट आपको बताएगा। तो इस कंपोनेंट का नाम एफ ए टी है, मतलब ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और इस कंपोनेंट का नाम क्या होगा, ये इसके ऑपोजिट में क्या, ए सी है, तो ये क्या होगा, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। अब यहां पर इस कंडीशन में भी देख लो, ये टेंजेंशियल वैल्यू ए टी है, उसके परपेंडिकुलर में क्या होगा, ए सी होगा। तो tan बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan बीटा, सो tan बीटा इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपन एडजस्ट और ऑपोजिट अपन एडजस्ट, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, AC हो गया, और एडजस्ट आपका क्या हो गया, AT हो गया। तो आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आप एंगल किसके साथ में ले रहे हो, वो पर्टिकुलर कंपोनेंट डिनोमिनेटर में आएगा,
मान लो आपने एंगल एसी के साथ में लिया होता तो एसी डिनोमिनेटर में आता और एटी न्यूमिनेटर में आता, बट बेसिकली अगर आप टेंजेंशियल के साथ में फाइंड आउट करो तो बेटर होगा। अब एक और पॉइंट है जो मैंने एम्फेसाइज करा था, फोर्थ वाला, फोर्थ एक्सेलरेशन। जो फोर्थ एक्सेलरेशन है वो क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन है ना। जो फोर्थ एक्सेलरेशन है वो क्या होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का आपको पता ही है, सो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। हमने क्या क्या लर्न किया है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिला हमको, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिला, और फिर क्या मिला? नेट एक्सेलरेशन मिला। तो ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ना, कभी कभी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको कैसे मिलेगा? आपको आर इंटू अल्फा से भी मिल जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आपको एक चीज समझ लेना है, जैसे जनरली तो ऐसा होता है ना कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है ना, क्वेश्चन में दिया होगा। इन मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू डायरेक्टली दिया होता, कभी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं दिया है तो एंगुलर एक्सेलरेशन दिया होगा। मान लो एंगुलर एक्सेलरेशन अगर दिया है तो आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसके हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हो। और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसका क्राइटेरिया सिंपल सा है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास वी स्क्वायर अपॉन आर या आर ओमेगा स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। तो ये टेंजेंशियल के लिए लिख लो भी फॉर्मूला आर इंटू अल्फा। नेट के लिए क्या फॉर्मूला है? अंडर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? ये ए टी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फर्स्ट एक्सेलरेशन, सेकंड एक्सेलरेशन, थर्ड एक्सेलरेशन, ये आपका फोर्थ एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप समझ लेंगे तो बहुत बेटर होगा। जैसा आप यहां पे देख सकते हो ना, ये क्या है? हमने लिया है वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बराबर ये मैग्नीट्यूड है, करेक्ट। तो ये जो वैल्यू है ना, ये डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो हो सकता है आपको ना इक्वेशनल फॉर्म में आया, जैसे ना अगर आपको पता होगा हमने ये मोशन स्ट्रेट लाइन में किया कि एक डिस्टेंस का इक्वेशन दिया हुआ है, अब उसको डिफरेंशिएट करके हमने क्या किया? स्पीड निकाला या वेलोसिटी निकाला। तो वो स्पीड या वेलोसिटी टी के टर्म में दिया हुआ है, तो अगर उसको डिफरेंशिएट करके जो भी वैल्यू निकालोगे वो होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ओनली। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए यही फॉर्मूला यूज होंगे, दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को आप तो ऐसे निकाल सकते हो या आप डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हो। तो डिफरेंशिएट किसको करोगे? आप डिफरेंशिएट करोगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को, अगर वो टी के टर्म में होगा तो। सो आई होप ये पार्ट्स आपको समझ में आए होंगे। अब इसके ऊपर बेस्ड हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। नाउ विल सॉल्व न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स। सो देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। वैसे आपको डायग्राम कुछ चीजों में कंडीशंस में ड्रॉ करने हैं, कुछ कंडीशंस में नहीं ड्रॉ करने, बट समझने के हिसाब से हम ड्रॉ कर लेंगे। क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द नेट एक्सेलरेशन। सो ये ए नेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बट कब फाइंड आउट करना वो देख लेते हैं। ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 0.4 मीटर, मतलब एक सर्कल है जिसका रेडियस का वैल्यू है 0.4 मीटर। ठीक है, सो हमको पता चल गया आर का वैल्यू कितना है? 0.4 मीटर। व्हाट नेक्स्ट? देन दे आर सेइंग एट द इंस्टेंट व्हेन इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज 2 रेडियन पर सेकेंड, मतलब एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का वैल्यू क्या है? यह है 2 रेडियन पर सेकेंड है। ठीक है, फिर आगे क्या दिया इन्होंने? एंड इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन इज 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और उसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू है क्या? 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा मैं कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन वगैरह नहीं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो उसका रीजन बहुत सिंपल सा है कि जब ये ना एंटी क्लॉक वाइज होगा तो ये ओमेगा का वैल्यू होगा दैट विल बी अप। ठीक है, और अल्फा का वैल्यू डिपेंड करता है कि वेदर एंगुलर स्पीड इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो उन्होंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, सिर्फ डायरेक्शन कोई रिक्वायरमेंट है। वैसे ये डायग्राम ड्रॉ करने की भी कोई जरूरत नहीं थी, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर पॉइंट का ये इन्फॉर्मेशन दिया इन्होंने। फिर क्या दिया है? एंड इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, सिर्फ इतने ही डिटेल दिए हैं। तो लेट्स सी कि हमको क्या मिलता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर नेट एक्सेलरेशन पूछा सर्कुलर मोशन में, तो जो हमारे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि ए नेट की वैल्यू क्या होती है। तो ए नेट का वैल्यू क्या? अंडर रूट ऑफ, ये क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस क्या होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको अगर लेना है तो आप इसको ले लो 0.1, बराबर। अब हम ना 1:1 पे फोकस करते हैं, तो हम फोकस करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पे। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला हो गया लीनियर दिस वेलोसिटी अपॉन आर या लीनियर स्पीड अपॉन आर, क्योंकि ये क्या है? मैग्नीट्यूड है ना, ये मैग्नीट्यूड भी हो सकता है, बराबर। तो ये वी स्क्वायर अपॉन आर होगा या आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पे इन्होंने एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है और आर की वैल्यू दी हुई है,
तो आई थिंक वी कैन फाइंड आउट दैट व्हाट हैपेंड, और यही दो ऑप्शन ही हमारे पास। तो हमने क्या किया, आर ओमेगा स्क्वायर से निकालेंगे। तो आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू 0.4 और ओमेगा का वैल्यू कितना है, ओमेगा का वैल्यू 2 raised to 2, तो 2 into 2, 2 2 4, 4 16, तो मतलब एक्चुअल में क्या होगा, ये 1.6 हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट। अब उसके बाद होगा टेंजेंशियल, टेंजेंशियल के लिए क्या रूल है, टेंजेंशियल का रूल अभी देख लेते हैं। टेंजेंशियल में या तो आर इंटू अल्फा होना चाहिए या तो डिफरेंशिएशन ऑफ वी वेक्टर, बराबर। तो हमारे पास क्या अल्फा की वैल्यू है, तो हम निकाल सकते हैं शायद, तो आर अल्फा, तो आर का वैल्यू कितना हो गया, सो आर का वैल्यू इज हाउ मच, 0.4, ठीक है। अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू है 5, तो 5 4 20 2.0 हो गया, तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इन वैल्यूज को हम ना फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, सो हमें सेंटीपिटल एक्सेलरेशन मिल गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल गया, नेट एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं। तो नेट एक्सेलरेशन का क्या क्राइटेरिया, अंडर रूट ऑफ, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस फील हो रहा है आपको, दैट इज बिकॉज ऑफ रेन, सो वी कांट हेल्प फॉर दैट वन। सो ये हो गया 1.6 raised to 2 हो गया, प्लस क्या हो गया, 2 raised to 2 हो गया, 2 raised to 2। सो एंड फाइनली व्हाट आर वी गोइंग टू गेट, 1.6 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर 256, ये हो जाएगा 2.56 एंड 2 2 4 हो गया ये, करेक्ट। तो ए का वैल्यू क्या आएगा, ए नेट, सो जो नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो क्या हो गया, 4 to 6 का जाएगा, 6.56 हो गया ये, ठीक है। जब इसका आप रूट लोगे तो ये वैल्यू आएगा आपको 2.561, ठीक है। सो विच इज अप्रोक्स टू 2.6 ऑल्सो यू कैन टेक इफ यू वॉन्ट, ठीक है। और ये होगा नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम का एक क्वेश्चन है जहां पे उन्होंने 2.6 दिया हुआ है, बट यहां पर 2.561 मिल रहा है, तो आई एम राइटिंग दैट वन, ठीक है। और अब इसके बाद इन्होंने क्वेश्चन, अच्छा ये आपको नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई है, तो आपने किसको यूज किया है, लॉग पैरेललोग्राम के फॉर्मूले को आपने यूज किया। तो ऐसे केस में जब आप मैग्नीट्यूड निकाले तो आपको डायरेक्शन भी निकालना पड़ेगा, तो डायरेक्शन के लिए क्या है, कंडीशन टेन बीटा। तो रूल बहुत सिंपल सा है कि आपको क्या करना है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को डिनोमिनेटर में रखो और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन को न्यूमरेटर में, मतलब आपको एंगल मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंशियल, है ना। तो मान लो कि अगर मैंने इमेजिन कर लिया यहां पर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में एक्ट होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में एक्ट होगा, तो रिजल्टेंट आपका यहां पे होगा, तो दिस इज व्हाट रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब नेट एक्सेलरेशन, और ये होगा आपका बीटा का वैल्यू। तो विद रिस्पेक्ट टू बीटा यू आर, विद रिस्पेक्ट टू एटी यू आर फाइंडिंग नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। तो एसी का वैल्यू कितना है, सो एसी का वैल्यू वी गॉट इट एज 1.6, ठीक है, और एटी का वैल्यू को कितना है, 2 मिला है, तो आपका कैंसिलेशन हाउ मच, 2 वी गेट 0.8। अब हमने लॉग यूज करके क्या करना, या आप अगर लिखना है इसके अकॉर्डिंग, तो बीटा इज इक्वल टू व्हाट, 10 इनवर्स ऑफ 0.8। लॉग बुक के थ्रू आप ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेना कि कितना एंगल आपको आ रहा है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी सिमिलर टू दिस वन, बट थोड़ा सा और लॉजिकल ये क्वेश्चन, प्लस ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो अभी जो सॉल्व करें ये एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, इसमें हमें डायग्राम बनाना पड़ सकता है, क्यों बनाना पड़ सकता है वो चीज भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा हमको, ठीक है। सो क्वेश्चन में क्या दिया, अ साइक्लिस्ट इज राइडिंग विद द स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो एक साइक्लिस्ट है जो राइड कर रहा है 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सो अब इसको मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करता हूं, तो वैसे जरूरत पड़ेगी, क्यों जरूरत पड़ेगी आप आगे देख सकते हो, थोड़ी देर में पता चल जाएगा आपको। 9 2s and 9 3s, तो ये टोटल कितना हो गया, 15/2, मतलब 7.5 हो गया, 7.5 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। सो आगे क्या दिया इन्होंने, अप्रोचेस अ सर्कुलर टर्न, मतलब ना कोई बाइसिकल वाला है वो ना स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, अप्रोचेस द सर्कुलर टर्न, सर्कुलर टर्न को अप्रोच करता है, सर्कुलर टर्न ऑन द रोड ऑफ रेडियस 80 मीटर, मतलब सर्कुलर टर्न को अप्रोच कर रहा है 80 मीटर, बट मैं ना पूरे सर्कल के फॉर्म में डिस्कस कर रहा हूं उसको। तो ये हो गया इसका रेडियस का वैल्यू हो गया 80 मीटर, सो जो रेडियस होगा, जो सर्कुलर टर्न का रेडियस है वो हो गया 80 मीटर, करेक्ट। तो सर्कुलर पाथ का रेडियस मिल गया हमको, ये मीटर है, इसके हमें इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता है, अदरवाइज इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट। सो अब आप क्या करना है, ही अप्लाइज ब्रेक एंड रिड्यूसेस हिज स्पीड एट कांस्टेंट रेट 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो ठीक है, अब मान लो कि बाइसिकल वाला जब यहां पहुंचा होगा तब की स्टोरी है, तो ये हो गया उसका वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा जिसकी वैल्यू क्या हो गया, 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं, जब ना ये यहां पहुंचता है तो वो क्या करता है, ब्रेक अप्लाई करता है। ब्रेक अप्लाई करने का मतलब क्या हो गया कि ये जो मैग्नीट्यूड है स्पीड का वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बराबर ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी।
स्पीड जो होगा वो डिक्रीज होगा, तो मैग्नेट ऑफ वेलोसिटी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट विल डिक्रीज। सो अब मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया कि जब ये डिक्रीज होगा तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा ना, दैट विल एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू दिस। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज गोइंग टू एक्ट इन दिस डायरेक्शन। और आगे क्या बोला इन्होंने, एट कॉन्स्टेंट रेट 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो है ब्रेक अप्लाई करता है सो दैट जो उसका रेट ऑफ रिडक्शन ऑफ या रिड्यूस ऑफ स्पीड है वो कितना होगा, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वो किसकी वैल्यू है, वो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू। समझ में आ रहा है? तो आपको ना जब भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया जाएगा तो मोस्टली आपको या तो क्वेश्चन में दिया जाएगा या तो अल्फा की वैल्यू दिया जाएगा, नहीं तो वी के टर्म में मेंशन किया जाएगा। तो वी के टर्म में हमने अल्फा वाला देख लिया है अभी डायरेक्टली दिया, वो अभी देख रहे हैं, और वी के टर्म में कैसे होगा वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने कहा सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, यू नो इट विल बी एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, तो कोई इश्यू ही नहीं है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द साइक्लिस्ट ऑन द सर्कुलर ट्रैक। तो आपको क्या करना है, नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। तो एज फार वी अंडरस्टूड, सो जो नेट एक्सेलरेशन का स्टोरी है वो क्या, अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन रेज टू 2 प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रेज टू 2। तो टेंजेंशियल, अच्छा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मैंने मेंशन नहीं किया ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है। तो कभी आपको अगर ना लीनियर एक्सेलरेशन या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, कोई एक्सेलरेशन की डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के टर्म में, तो आप उसको समझ लेना दे आर टॉकिंग अबाउट द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, क्योंकि सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होगा तो वो ना कुछ ओमेगा आर वी वैसे कुछ मेंशन करेंगे, उसके टर्म में हम निकालेंगे। ठीक है, सो अच्छा ये सारे डिटेल तो हो गए। तो अभी सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का क्या क्राइटेरिया, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो आर ओमेगा स्क्वायर या वी। तो हमने देखा है कि ए सी का वैल्यू या तो आर ओमेगा स्क्वायर से या वी स्क्वायर अपॉन आर से, तो वी की वैल्यू है हमारे पास, तो फॉर्मूला है वी स्क्वायर अपॉन आर। तो वी का वैल्यू क्या होगा, 7.5 का रेज टू 2 अपॉन आर का वैल्यू क्या है 18, 7.5 तो 25 और 8 7 का 56 हो गया। ठीक है, डिवाइड बाय कितना होगा ये 80 होगा ये, ये डेसिमल यहां पुट कर दिया। सो अब अगर एक और करेंगे शिफ्ट तो 5.625 डिवाइडेड बाय 8, अब इसका कैंसिलेशन करेंगे तो कितना होगा 0.875 देन 0.8324, तो 0.703 मतलब इसको अप्रोक्सीमेट ले लिया मैंने 0.7 ले लिया है ना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कोई इश्यू नहीं। अब इसका सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल की वैल्यू तो ऑलरेडी दिया हुआ है इन्होंने, टेंजेंशियल की वैल्यू कितनी है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखते हैं यहां पे स्पेस है, ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, नेट एक्सेलरेशन का क्या वैल्यू होगा, नेट एक्सेलरेशन इज अंडर रूट ऑफ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन की वैल्यू का 0.7 रेज टू 2, टेंजेंशियल की वैल्यू कितना 0.5 रेज टू 2, तो ये क्या होगा अंडर रूट ऑफ 0.7 मतलब क्या होगा 7 × 49, तो ये 0.49 हो गया, ये 0.25 हो गया। तो अब इसका रूट लेके देख लेते हैं, तो ये 0.74 हो गया। करेक्ट, तो 0.74 का जो रूट होगा है ना, अगर आपको चेक करना है तो उसको चेक कर दो, 0.74 का रूट होगा 0.86 हो गया, तो ये क्या होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आ गई। अब लास्ट पार्ट उन्होंने पूछा है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए क्या होगा टेन बीटा। तो टेन बीटा की स्टोरी आपको पता ही है, एसी अपॉन एटी। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.7 और फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू का 0.5 दैट इज ऑलरेडी गिवन, तो ये 7/5 हो गया, तो कैंसिल करो 5 × 1 = 5 एंड 5 × 4 = 20, तो 1.4 मतलब बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 inverse of 1.4। अब इसको सिंप्लीफाई करके आप निकाल लो। अब हमें एक क्वेश्चन देखना है जहां पे ना वेलोसिटी को हम चेंज करते हैं है ना, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी विल चेंज एंड विल गेट द नेट एक्सेलरेशन। एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, डायग्राम यहां पे आप देख सकते हो, दिस इज द डायग्राम। जो सर्कुलर मोशन है वो कंप्लीट सर्कुलर मोशन हो या अ पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन होगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। सो अब इन्होंने क्या बताया, अ पार्टिकल पी मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑन अ सर्कुलर पाथ एज शोन इन द फिगर। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ पी इज सच दैट इट स्वीप्स आउट अ लेंथ। तो इन्होंने बताया कितना लेंथ वो कवर कर रहा है, तो वो वैल्यू दिया इन्होंने एस इज इक्वल टू टी रेस टू 3 + 5, इतना अमाउंट ऑफ लेंथ क्या करता है वो कवर करता है, वेयर एस इज इन मीटर एंड टी इज इन सेकेंड। तो ये मीटर में है और टी टाइम क्या है, टाइम जो टी है वो सेकेंड्स में। द रेडियस ऑफ द पाथ इज 20 मीटर, जो रेडियस है ना इसका वो क्या है 20 मीटर है।
तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज 20 मीटर. व्हाट नेक्स्ट? द एक्सेलरेशन ऑफ पी व्हेन टी इज इक्वल टू 2 सेकंड इज नियरली. आपको ना एक्सेलरेशन निकालना है, तो मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो ये नेट एक्सेलरेशन ही हो जाएगा. अच्छा, कैसे पता कि ये नेट एक्सेलरेशन ही होगा? उस पॉइंट पे भी मैं एक्सरसाइज करूंगा, ठीक है. और कब निकालना है? एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड, ठीक है. सो अब इन पॉइंट्स पे जरा ध्यान देते हैं. देखो, अब आपने ना ये चीज देखा होगा ना यहां पे कि at इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा है या डी बाई डी टी चेंज इन मैग्नीट्यूड, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर. तो ये वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो ये किस टर्म में होगा? और टी के टर्म में होगा. तो यही एक ऑप्शन दिख रहा है, या तो आपको डिस्प्लेसमेंट टी के टर्म में दिया है या तो वेलोसिटी टी के टर्म में दिया है. तो आप समझ लेना है आपको कि ये इसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं. तो लेट्स सी. वैसे तो आप इसी फॉर्मूले से आपको ना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी मिलेगा, बट कैसे मिलेगा उन पॉइंट्स पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है. सो अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं. तो आगे बढ़ने का मतलब ये होगा, इस फॉर्मूले से आपको कैसे ना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगा, कैसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिलेगा, वो हमारा मेन फोकस है. तो पहले तो हम वेलोसिटी को गेन कर लेते हैं. तो हाउ यू गेट द वेलोसिटी फ्रॉम दिस? तो अब आप मेंशन करोगे कि सिंस एस इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 5. अब आपने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया किससे? विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो एक डी बाई डी टी हो गया, ये कहा टी रेस टू 3 प्लस 5. तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर डी बाई डी एक्स है और मैं एक्स को डिफरेंशिएट कर सकता हूं, तो ये जो पावर होगा दैट विल कम मल्टीप्लाई और पावर की वैल्यू 1 से डिक्रीज हो जाएगी. बट अगर मान लो आप डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू डी बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट वैल्यू को डिफरेंशिएट करो, दैट विल बी 0. ये बेसिक रूल्स है डिफरेंशिएशन के. तो आपको उस रूल के हिसाब से, इफ आई एम कमिंग टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, अच्छा डीएस बाई डी टी क्या होता है? डीएस बाई डी टी इज द चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज द स्पीड. तो स्पीड एक हिसाब से देखा जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हो गया ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. तो ये क्या होगा, टी क्यूब का क्या होगा, टी क्यूब का पावर विल कम ओवर हियर, पावर विल दिस मल्टीप्लाई टू दिस प्लेस एंड देन पावर विल डिक्रीज बाय 1. तो 3 से क्या होगा, 2 हो गया. 5 इज अ कॉन्स्टेंट नंबर, कॉन्स्टेंट है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है. ये होगा वी का वैल्यू. हो सकता है आपको एग्जाम में डायरेक्टली ये वैल्यू दिया रहे तो भी चलेगा. तो अब ये क्या कर रहे हैं, अब इसको ना फिर से वापस से डिफरेंशिएट करो. तो ये जो पॉइंट है इसको आप इक्वेशन नंबर 1 ले लो. क्यों इक्वेशन नंबर 1 ले लो, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा. अब उसको फिर से डिफरेंशिएट किया हमने, तो अब अगर उसको फिर से आपने डिफरेंशिएट किया तो आपने डिफरेंशिएट किया वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अब इसको डिफरेंशिएट करो, एक्चुअली यू आर डिफरेंशिएटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. आपने जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ना उसको डिफरेंशिएट किया, आपने स्पीड को डिफरेंशिएट किया. तो स्पीड को डिफरेंशिएट कर रहे हो, इसके लिए क्या हुआ, डी बाई डी टी. तो वी का वैल्यू कितना है, अब यहां पे देखो वी का वैल्यू 3t raised to 2. तो यहां पे ये जो वैल्यू होगा ना, डिफरेंशिएशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीड विल गिव यू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. ये आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू देगा, ठीक है. तो ये क्या हो गया, ये 3 पहले से ही है, टी स्क्वायर का क्या हो गया, ये हो गया 2, और टी का पावर 1 से डिक्रीज हो जाएगा तो ये हो गया 6t हो गया. आपको मिल गया at इज इक्वल टू 60 मिल गया, ठीक है. ये ले लो आप इक्वेशन नंबर 2. सबसे पहले तो हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको एट द एंड ऑफ 2 सेकंड्स निकालना है. तो देयरफॉर at का वैल्यू क्या हो गया, at का वैल्यू 6 × 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल गया, बात समझ में आ गई. अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी एक्ट होगा गाइस सिस्टम पे, वो भी देख रहा है हमको. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी एक्ट हो सकता होगा क्योंकि सर्कुलर मोशन है, तो उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हैज टू एक्ट. तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मान लो कि इस तरीके से एक्ट हो रहा है. देखो अब यहां पे ना समझने वाली बात क्या है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ना, यहां देखो टाइम बढ़ेगा मतलब 1 सेकंड है तो वेलोसिटी अलग होगा, 2 सेकंड है तो स्पीड अलग होगा, 3 सेकंड है तो स्पीड अलग होगा, मतलब वो इंक्रीज हो रहा है. तो ये क्या हो गया, आपका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, दैट इज व्हाट at. और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में एक्ट होगा, दैट इज व्हाट ac, है ना, सेंटर की तरफ. तो ये हो गया आपका नेट एक्सेलरेशन, बात समझ में आ रही है. यहां पे इनको सिर्फ नेट एक्सेलरेशन से मतलब है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है. ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, आई थिंक AIEEE में 2010 में पूछा हुआ है क्वेश्चन. तो ये जो है, अब हमको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है. तो अब आप बताओगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए क्या फॉर्मूला है. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वी स्क्वायर अपॉन आर और आर ओमेगा स्क्वायर. तो वी स्क्वायर अपॉन आर से एक ऑप्शन दिख रहा है. तो क्या ऑप्शन दिख रहा है आपको बताया, वी इज इक्वल टू क्या है, v का वैल्यू 3t स्क्वायर. बट ये पूरा डिटेल हम किसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, हम 2 सेकंड के एंड में फाइंड आउट कर रहे हैं. तो ये 3 हो गया, 2 का स्क्वायर आपने ले लिया तो कितना होगा, 3 × 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4. तो ये हो गया आपका 12.
तो ये हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब ये 12 की वैल्यू हमने यहां पुट कर दिया, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, 12 × 12। ठीक है, अपॉन आर का वैल्यू कितना है, 20 है वो। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये 144/20 हो गया, तो यहां पर डेसिमल एक्चुअल में कैंसिल होगा, 7.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हमको क्या मिलेगा, हमको वैल्यू मिल गया किसका, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल गया। तो अब हमें क्या करना है, नेट एक्सेलरेशन निकाल के देखना। तो नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमको पता है, नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, तो नेट एक्सेलरेशन का अच्छा फॉर्मूला लिखा नहीं हमने, तो यहां ले देता हूं मैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रेज टू 2 प्लस क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रेज टू 2। तो ये अंडर रूट ऑफ। सो अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि हमको क्या वैल्यू मिल रहा है, एक तो मिल रहा है एसी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू 7.2 है, करेक्ट, रेज टू 2, और टेंजेंशियल की वैल्यू कितनी है, 12 है, रेज टू 2। तो अब ये कितना हो जाएगा, 72 का जो रूट होता है वो होता है 5184 होता है। ठीक है, 72 का स्क्वायर और रूट नहीं स्क्वायर, तो यह 51.84 हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना होता है, ये होता है 144। क्लियर। अब इनको ऐड कर देते हैं, तो ये डेसिमल के बाद तो इसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो ये 84 ही रहेगा, एंड 41 क्या होगा, ये 5 हो गया, 54 ये 9 हो गया, और ये फिर 195। अच्छा, 195.84 का अगर आप ना रूट लेते हो तो ये वैल्यू आपको मिलेगा, देखो 196 इसका रूट होता है, 14 का रूट होता है, 196 का रूट कितना होगा, 196 का रूट होता है 14, 196 का रूट होगा 14, बट ये 196 से वेरी क्लोज हो जाए, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 13.99 के अप्रोक्स आएगा आपका वैल्यू। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द नेट एक्सेलरेशन। तो ये जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था उसमें क्या था, 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उन्होंने एक्सेलरेशन ऑलरेडी लिखा हुआ था, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि 13.99 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज नथिंग बट 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो आई होप व्हाटएवर आई एक्सप्लेन अप टिल नाउ यू पीपल अंडरस्टूड। वन मोर थिंग, देखो यहां पे जो पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से हमने डिफरेंशिएशन से इस वैल्यू को फाइंड आउट किया। तो हो सकता है आपको यहां पे जैसे डिस्टेंस दिया हुआ है तो कोई इशू नहीं है, डिस्टेंस की बजाय अगर आपको वेलोसिटी भी दिया होता तो भी आप निकाल सकते हैं। वेलोसिटी अगर आपको दिया होता तो अपना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी निकाल सकते थे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी आप निकाल सकते थे। ओनली थिंग वाज दैट दे वर सपोज टू मेंशन अबाउट टाइम। अगर टाइम की वैल्यू मेंशन किया है उन्होंने, रेडियस की वैल्यू मेंशन किया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है या डिस्टेंस दिया है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो इन्फॉर्मेशन एस के टर्म में होगा या तो इन्फॉर्मेशन बी के टर्म में होगा, अलॉन्ग विद दैट टी और आर की वैल्यू दी हुई है, तो आप ना किसी भी पोजीशन पे किसी भी सिचुएशन में आप नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हो। सो वंस अगेन आई होप व्हाटएवर आई एक्सप्लेन यू पीपल अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।